Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम आज इसके ऊपर आज गुड मॉर्निंग आज प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सपाशी। आज जुमा है 8 सितंबर और आज का दिन यानी तारीख का जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का दिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि सितंबर का महीना जब भी आता है हम पाकिस्तानियों के जज्बे हुबुल वतनी से सरशार हो जाते हैं, क्योंकि ये वो महीना है जब हमारी तीनों मुसल्ला फाज ने दुश्मन के मुकाबले में बहुत सी कामयाबियां समेटी और पिछले दो दिनों से ही जहां पर हम अपने ऑन फुट सोल्जर्स और एयरफोर्स की काविशों को सराह रहे हैं, वहीं आज के दिन हम अपनी पाक नेवी को भी खराज तहसीन पेश करेंगे। मुल्क भर में ही आज का दिन नेवी डे के तौर पर मनाया जाता है और जगह जगह पर अहम तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता है। और अगर वैसे ओवरऑल नेवी की लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ फॉर्म सीट कोई आसान नहीं है। हर वक्त लहरों के बीच में अपने वतन की हिफाजत में इन सिपाहियों को बहुत सी परेशानियों का सामना होता है, पर अपने वतन से मोहब्बत का सबूत ना सिर्फ 65 की जंग में अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत करके दिया बल्कि आज भी हमारी नेवी के जवान मुल्क की खातिर मरमिटने का जज्बा रखते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे सारे ही जवान मुल्क की खातिर मरमिटने का जज्बा रखते हैं। इसी हवाले से आपको एक खास रिपोर्ट के बारे में बताऊँ की पाकिस्तान नेवी को दुनिया की बेहतरीन फौज में शामिल किया गया है। शुमाली बोरा अरब से लेकर 1000 किलोमीटर तक ये समुद्री पट्टी का दिफा करती है और जिस तरीके से यह दिफा कर रही है इसकी नजर दुनिया भर पर पड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान नेवी की बात की जाए तो जज्बे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं, लेकिन हमारी नेवी जदीद असले से लेस है। हमारे पास मरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, साथ साथ हमारे पास 7 PCG-3 तैयारे भी मौजूद हैं, फ्रेगेट्स हैं। डिजास्टर करने के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे सामान है, ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिससे पाकिस्तान नेवी जदीद तौर पर लेस है। मरीन्स हैं, सब मरीन्स हैं। किस तरीके से हमारे ये जवान समंदरी पट्टी का दिफा करते हैं, किस तरीके से लड़ते हैं, तो आज नेवी डे के हवाले से हम ये दिन मना रहे हैं और खराज तहसीन पेश करेंगे। साथ साथ बात करेंगे सफीरों की कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इसमें क्या डेवलपमेंट हुई, ख्वाजा आसिफ ने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, सिविल और अस्करी कयादत मुत्तहिद, सही सिमत में पाकिस्तान पॉलिसी वज़ह करेगा। इसके अलावा दीगर मौजूदात पर भी हम बात करेंगे, ताजा तरीन सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी, खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से और साथ साथ आपको बताएंगे कि आप कितना कैश अपनी फ्लाइट पर अपने साथ ले जा सकते हैं। बिल्कुल जनाब, शो में आगे चलकर मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, तज्जिया और तबसरे भी शो का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। परामा के हंगामे का फाइनल राउंड शुरू हो गया, शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस आज एहतसाब अदालत में दायर किए जाएंगे। नैब एक्शन पर नवाज शरीफ का रिएक्शन, लंदन से वतन वापसी मौखर कर दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतालिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा कहते हैं पाकिस्तान बाहमी एहतराम के साथ कुर्बानियों का इदराक करने वाले ममालिक के साथ आगे बढ़ेगा। स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए 7 रकम रखने की हद बढ़ा दी है। अब शहरी 10,000 रुपए नगद ले जा सकते हैं। हद में इजाफे से क्या वाकई मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी? जी जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा में सबसे पहले और आज की अहम खबर है शरीफ फैमिली के हवाले से, इसहाक डार के हवाले से, जिन पर 4 नैब रेफरेंसेस की मंजूरी हो चुकी है। आपको बताएं कि आज एहतसाब अदालतों में ये रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। इसी हवाले से आज एक्सप्रेस रोजनामा ने इसको मेन हेडलाइन बनाया है, जिस पर इमरान खान के भी बयान सामने आए और इमरान खान का कहना था कि अब रेफरेंसेस तो सामने आ रहे हैं, इसहाक डार को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि इनके दौर के अंदर तमाम, अगर हम बात करें जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब के दौर में भी जो है वो बदतरीन इतनी हालात नहीं थे जितने शरीफ दौर में हुए हैं, शरीफ हुकूमत के दौर में हुए हैं। तो नवाज हुकूमत भी बहुत कम सरमायाकारी हुई है इस दौर में और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो इतनी कम सरमायाकारी हुई है मुल्की तारीख में कभी भी नहीं हुई। ठीक है, आप इकॉनमी के हवाले से बात करें थी और शरीफ खानदान के हवाले से जो रेफरेंस का सिलसिला है जो कि डेफिनेटली
आज अभी भी उसमें पेशरफ्त होगी उसी हवाले से इसको मेन लीड बनाया गया है। और अब यही कहा जा रहा है कि लेट सी कितने कितने साल की सजा मुतवक्के है, किस किस तरीके से ये रेफरेंसेज आगे बढ़ेंगे और किस किस तरीके से इन समातों का सिलसिला शुरू होगा। और दूसरी जो खबर है वो डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ के बयान के हवाले से है, जिसमें उन्होंने अमरीका के हवाले से अपनी पॉलिसी वजह की है। एम्बेसडर की कॉन्फ्रेंस जारी थी इस्लामाबाद में 3 रोज से, तो उस पर अब कंक्लूजन निकाला है कि जी मुजाकरात के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन अब बराबरी के तौर पर और बाहमी तौर पर मुजाकरात होंगे और बातचीत का सिलसिला जो होगा वो इज्जत और तकरीम के साथ होगा। तो इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बना। बिल्कुल जनाब, एक्सप्रेस उसनामा की अगर मेन लीड की बात करें वो एडी ख्वाजा के हवाले से है कि उनको अपने ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और यही खबर जो है वो आज एक्सप्रेस उसनामा ने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। कहा जा रहा है कि 3 साल तक अपनी मुद्दत मुलाजमत से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता और तमाम तकर्ररियों और तबादलों से मुतालिक सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन को भी कल अदम करार दिया गया है। और तमाम तकर्ररियों और तबादले जो हैं वो डेफिनेटली आईजी साहब ही करेंगे और अब वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ठीक है, अच्छा अगर बिजनेस रिकॉर्डर की मैं लीड की बात करूँ तो ये है कि अफगानिस्तान सीक्स टू ब्रिंग इंडिया इन। और दूसरी जो है वो पीएम ब्रीफ्ड अबाउट ग्रोथ ऑफ शुगर इंडस्ट्री, तो पीएम ने शुगर इंडस्ट्री को जो है पूरा ओवरऑल ब्रीफ किया है। दूसरी जो खबर है वो ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो कि जंग में भी थी, तो ये तो आज की मेन लीड। बिल्कुल जनाब, बहुत सी ऐसी इसमें स्टोरीज मौजूद हैं जो कि हमारे आगे चल के टॉप स्टोरीज भी हैं और उनके ऊपर बाकायदा तौर पर हम एनालिसिस भी लेंगे। अच्छा, डॉन की कुछ मेन लीड्स पढ़ देते हैं कि नैब ओकेज ड्राफ्ट रेफरेंसेस अगेंस्ट शरीफ एंड डा, सेम वही खबर जो नैब के हवाले से एक्सप्रेस में मेंशन दी। और दूसरी खबर है जनाब ईसीपी टू यूज प्रोविंशियल सेंसस डाटा फॉर डेलिमिनेशन, तो ये दोनों खबरें जो हैं वो आज मेन हेडलाइंस। तो आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं और लाहौर में बढ़ेंगे जहां पर तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे के हवाले से हम अपडेट्स लेंगे। वहां पर मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदा हुमा भट। हुमा भट, गुड मॉर्निंग, आज जलसे की क्या तैयारियां की जा रही हैं? आज लाहौर में पीटीआई जो है वो सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और उसके लिए जो मैदान सजेगा वो जेल रोड है। जेल रोड पर इस वक्त तैयारियां भरपूर की जा रही हैं, स्टेज जो है वो सजाया जा रहा है। इसके अलावा अभी शाम के वक्त ये तमाम जो लोग हैं कारकुनान जो हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अभी के अभी तमाम जो एरिया है जेल रोड का वो कॉर्डन ऑफ किया गया हुआ है, सील किया गया हुआ है। वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुअत्तल है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सुबह के वक्त ही परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वक्त है दफातर में जाने का और अपने जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जाने का, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है। तो शाम के वक्त यकीनन बहुत ही अबतर सूरत हाल होगी, लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगा ये जो जलसा है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि तमाम रहनुमा जो हैं वो इस वक्त अपनी कैंपेन्स में भी मसरूफ़ हैं और इसके साथ साथ जो अपने जलसे हैं उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर है और उसके बाद से इलेक्शन भी शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से इन दिनों में तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो इस वक्त कैंपेन्स कर रहे हैं और साथ में जलसे कर रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे और उसके बाद खिताब भी करेंगे, लेकिन अभी वहाँ पर तैयारियाँ जो हैं स्टेज सजाया जा रहा है, वहाँ पर जो साउंड सिस्टम है वो लगा दिया गया है, चेयर्स लगाई जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम रोड्स ब्लॉक हैं उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से, जहाँ पर इमरान पावर शो करने जा रहे हैं, लेट्स सी के उनका जलसा जो है वो आज किस तरह का होता है। आगे बढ़ते हैं और जनाब, सिंध तालीमी एमरजेंसी के बावजूद सखर के स्कूलों की हालत इजहार तब्दील ना हो सकी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल हुसैनी रोड में तुलबा अपनी जानों को खतरे में डालकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मजीद तफसीला जान लेते हैं सखर से आज ही उसके नुमाइंदे जमीन मुखल से। जी मुखल, क्या मामला है ये? जी महकमे तालीम सखर की जानिब से सखर के स्कूलों की हालत इजहार जो है इंतहाई नाकस हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है। स्कूल की मुतअद्दिद स्कूल की छतें गिर रही हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में जो मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है मुतअद्दिद क्लासें जो हैं वो उसके टूट फूट का शिकार हैं, उनके जो है प्लस्तर गिर रहे हैं, कई मरतबा जो है बच्चे जो है जख्मी हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने ना सिंध ने तवज्जो दी ना सखर ने कोई तवज्जो दी। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन सिकंदर अली से कहूँगा कि वो क्लास 4 की हालत दिखाए कि किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरह जो है अंदर जो है वो इसकी छत जो है वो गिर रही है और किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है। एक स्कूल जो स्कूल की जो क्लास 5 है वो उसकी हालत दार जो है बहुत इंतहाई मखदूश हो गई, जिसकी वजह से जो है क्लास 5 की हालत दार मैं कहूँगा कैमरामैन की ज़रा क्लास 5 की जो हालत है वो दिखाए। क्लास 5 की छत बिल्कुल जो है गिर चुकी है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता था। इसकी वजह से स्कूल इंतजामिया ने क्लास को बंद कर दिया, ताले लगा दिए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। बच्चों की जिंदगियां जो है वो बच्चे जो है कल के पाकिस्तान के मेहमान हैं और उनकी जिंदगियां जो खत्म ना हो सके। इस वक्त में सर हेडमास्टर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपने कोई शिकायत वगैरह की है? तो सर बिल्कुल की है, कंसर्न अथॉरिटीज़ को हमने लास्ट ईयर अगस्त में भी लिखा था, उसके बाद हमने 2 रिमाइंडर भी भेजे, जिसके बाद एजुकेशन वर्क की जानब से कुछ लोग भी आए थे, एस्टिमेशन भी लगा कर
साल पहले बताया जा रहा है कि इन्होंने शिकायत की, लेकिन शिकायत का अब तक इजाला नहीं हो सका। बच्चे जो हैं वो खौफ के आलम में आते हैं, अपनी जिंदगी पे खेल के जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि तालीम जो है वो बहुत जरूरी है और तालीम हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े बच्चों को वो कर रहे हैं। जी ठीक है, जमील मुगल अपडेट कर रहे थे सक्खर से, बच्चों की हालत इजार के हवाले से बात कर रहे थे और इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब शरीफ खानदान के हवाले से बात करेंगे, जो कि आज हमारी मेन हेडलाइंस भी थी, टॉप स्टोरीज भी हैं। शरीफ खानदान की मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। अदालत उज्मा की तरफ से दी गई मोहलत खत्म होने से एक दिन कबल नैब ने शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। पनामा के हंगामे का फाइनल राउंड शुरू हो गया। शरीफ खानदान की अब GIT के बाद एहतसाब अदालत में पेशियाँ होंगी, क्योंकि नैब ने शरीफ फैमिली के खिलाफ 4 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब कंवर जमान चौधरी की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के खानदान और उनके समधी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। नैब हेडक्वार्टर ने 2 रेफरेंसेस की मंजूरी की कॉपियां नैब लाहौर और दीगर 2 रेफरेंसेस की कॉपियां नैब रावलपिंडी को अरसाल कर दी हैं। ये रेफरेंसेस पनामा GIT के तहकीकाती मवाद और नैब को अपनी तहकीकात से हासिल दीगर मवाद की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं। इन एहतसाब रेफरेंसेस में से 3 मुकदमात साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ दायर होंगे। एलामिया में ये वाजे नहीं किया गया कि खानदान के दीगर अफराद में मरियम हसन हुसैन और कैप्टन सफदर में से कौन कौन शामिल है। ताहम ये रेफरेंसेस लंदन के 4 फ्लैट्स, जद्दा की अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी और 15 दीगर फ्लैगशिप कंपनियों से मुतालिक होंगे। नैब ने 4वां मुकदमा वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ दायर करने की मंजूरी दी, जिन पर आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब ने शोभा इस्तिगासा को इन मुकदमात की मुतल्लिका अदालतों में मौसर पैरवी के लिए हिदायत भी जारी की है। नैब रेफरेंसेस फाइल होने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वतन वापसी मुलतवी कर दी है। उन्होंने एबटाबाद का 10 सितंबर का जलसा भी मंसूख कर दिया है। नवाज शरीफ की वापसी कब होगी इस बारे में पार्टी की जानिब से कोई हतमी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इसी हवाले से आपको मजीद बताते हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ पनामा पेपर्स केस के फाइनल में आज नैब के रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए जाएंगे। इन रेफरेंसेस की कितनी मुद्दत में समाअत मुकम्मल करनी होगी और इसके नतीजे में क्या सजा हो सकती है, और ऐसे ही मजीद कुछ सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हारिस खलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बताएगा कि जो रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं उनकी समाअत मुकम्मल करने के लिए क्या अदालत के पास भी कोई टाइम फ्रेम है? देखिए ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है। इससे पहले मैं अर्ज ये करूँ कि पनामा पेपर्स का जो मामला था वो शुरू ही आज हो रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस बात की सजा दी गई वो तो पिटिशन में थी नहीं। तो जो पनामा पेपर्स पे 1 साल पूरी कौम का वक्त तकरीबन जाया हुआ है और आज से मामला शुरू हो रहा है जो कि 8-10 महीने पहले शुरू हो सकता था। तो अब ये है कि एक हमारे फाजिल जज जो हैं वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को, तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई वक्त का तायुन ज़रूर करेगी कि ये कब तक इनका फैसला होना चाहिए। मगर जो ड्यू प्रोसीडिंग्स हैं लीगल वो पनामा के सिलसिले में शुरू ही आज हो रही हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पनामा का राउंड 3 स्टार्ट हो गया और बड़ी स्पेशल राउंड है और खास राउंड है। अच्छा हारिस खलीक साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन मुकदमात में जुर्म साबित होने पर कितनी सजा हो सकती है या जुर्माना आयद किया जा सकता है? ये तो देखिए किसी कानूनी माहिर मेरा ख्याल है बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये कि इसके नतीजे में इसके सियासी जो नतायज हैं वो बहुत शदीद होंगे अगर फैसला जो है वो मियां साहब के खिलाफ आता है। लेकिन इसमें एक गुंजाइश मौजूद है और वो गुंजाइश ये है कि ये नैब का फैसला आला अदालतों में चैलेंज अच्छा, किया जा सकता है। और हर साहब ये बताएगा कि क्या जुर्म साबित होने पर ये भी मुमकिन है कि शरीफ खानदान की बैरून मुल्क जो भी असासे हैं और जो भी कंपनीज उन लोगों ने वहां पर बनाई हैं उससे जो भी पैसा बना है वो मुल्की खजाने में वापस लाया जा सके?
इसकी कोई सूरत फिलहाल तो कानूनी तौर पे मुझे नहीं समझ में आती कि कैसे होगी। और जैसे मैंने अर्ज किया वो ये कि ये फैसला हमें मीडिया पे नहीं कर लेना चाहिए कि इसके ये नतायज क्या निकलेंगे, ये देखना होगा कि क्या होगा। और क्योंकि इसका जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये कानूनी से ज्यादा सियासी मामला है, चूंकि 339 लोग और हैं पाकिस्तानी जिनका कोई तस्करा नहीं हो रहा, तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये वाकई एक शफाफ अमल शुरू होता है। लेकिन इस शफाफ अमल अगर सिर्फ शरीफ खानदान तक महदूद रहता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। साहब अब कुछ बात कर लेते हैं नून लीग के पॉलिटिकल करियर के हवाले से, रेफरेंसेस के हवाले से, इस फैसले के बाद कितना मुतासर कुन साबित होगा इनके पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर ये सारा फैसला, और दूसरा क्या ये दोबारा NRO बना पाएंगे? देखिए NRO तो एक डिक्टेटरशिप के जमाने में मुमकिन होता है, और NRO के सिलसिले में भी एक बात ये मेरा ख्याल है याद रखनी चाहिए कि कोई 8000 केसेस में जो NRO के जरिए से जिनका हल निकाला गया था नेशनल रेकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के जरिए से, उनमें से सिर्फ 34 केस जो थे वो सियासतदानों से मुतालिक थे। ये कौम को याद दिलाना बड़ा जरूरी है कि सारी जो तान है वो सियासतदानों पे ही टूटती है आके। नताएज बड़े मनफी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो नवाज शरीफ साहब की जात के, उसकी तो नाम में ही नून है, तो उनकी जात पर भी महज असरात नहीं होंगे बल्कि पार्टी पर बहुत इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मगर यह कि मुख्तसर मुद्दत में, यानी ये जो बाय इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात लाहौर में भी और पेशावर में भी, उस पर कोई खास इसके असरात मुरतब होते हुए। अच्छा हारिस साहब ये बताएगा कि हमने जैसे कि जाना कि जैसे ही कल ये फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से वापसी का अपना फैसला मौखर कर दिया है, तो कहा जा रहा है कि जनाब नैब की जानिब से जो एक्शन लिया गया है उसका रिएक्शन सामने आ रहा है। आप समझते हैं कि जो जिस तरह से रेफरेंसेस से उनके ताखीर को जोड़ा जा रहा है ये बात दुरुस्त है? देखिए मैं कह नहीं सकता, इम्कानी तौर पर अगर ऐसा है तो इससे मियां साहब को नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं हासिल होगा। देखिए वो सियासी, जब आप सियासत के अमल में दाखिल होते हैं तो आसिफ जरदारी साहब ने भी 11 बरस जेल में गुजारे हैं, और अगर उनको सजा होती भी उन केसेस की जिनसे वो बरी हो गए तो कोई इतनी सजा होती तो वो सजा तो भुगत चुके हैं पहले ही। तो अब ये एक दिलचस्प बात है कि अगर मियां साहब वाकई ये चाहते हैं कि उनका सियासी करियर जो है वो दांव पर न लगे और वो कायम रहे, तो उनको बहरहाल 17 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात से पहले पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात से पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए, उनकी साख का भी मामला है। अच्छा अगर ओवरऑल बात की जाए इस रेफरेंस के हवाले से, तो शरीफ फैमिली का तो यही कहना है कि जी अब जब रेफरेंस ही दाखिल कर दिया है तो फिर हम नैब में पेश क्यों? तो आपको क्या लगता है कि अब जो रेफरेंस होने जा रहा है शरीफ खानदान की जानिब से कोई पेश नहीं होता तो क्या गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल किए जा सकते हैं। अच्छा इस हवाले से मजीद पूछना चाहूंगी कि इसहाक डार ने जो है कन्फेशन भी दिया था अपना, तो क्या वो काम आ जाएगा इस दफा? देखिए बात यह है कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है उस कन्फेशन पे, उस फैसले को दोबारा खोलना और फिर फैसले के ऊपर नया फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो अगर वो फैसला, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ये कह चुकी है कि उन्होंने ये फैसला जो है ये दबाव के, यानी जो कन्फेशन था उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट वो एक दबाव के तहत था, तो अगर लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला आ चुका है और आप दोबारा उन केसेस को खोलना चाहते हैं तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खोल सकती है, वरना वो केस सेटल्ड है। लेकिन चूंकि अब नैब में ये दोबारा उनसे मुतालिक रेफरेंसेस खुल रहे हैं, जमा हो गए हैं और वो नैब की अदालत में मामला जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। बिल्कुल, ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम सियासतदानों की बात करें तो ये करप्शन किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ सिलसिला जो है शरीफ खानदान तक ही महदूद हो जाएगा या कानून और भी सियासतदानों के जो गिरेबान है उनमें हाथ डाल सकती है? देखिए डालना चाहिए, अगर नहीं डाल रहे तो इसका मतलब है कि प्रोसेस सिलेक्टिव है। मैंने तो आपसे अर्ज किया कि 300 पैनमा पे सारा मामला शुरू हुआ था ना, तो पैनमा के मामले में तो हमारे एक रिटायर्ड एयर मार्शल साहब भी हैं, हमारे एक हाजिर सर्विस जज भी हैं जो हमें इत्तला मिली है अखबारात के जरिए से और जो लिस्ट मंजर आम पे आई है, उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब की कंपनी भी है, इमरान खान साहब की हमशीरगान जो है वो भी उसमें, उनका नाम भी आया है, उनका खुद भी आया था न्याजी सर्विसेज का, तो बेशुमार और मतलब है कि लोग हैं उसमें, तो फिर खोलें सबका। और मैं तो नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब का नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन अगर उनका केस आपने खोला है तो दीगर का भी खोलें, वरना फिर मामला जो है वो यही होगा कि इसमें एक मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा पैगाम नहीं जाएगा और इसमें एक साजिश जो नून लीग कह रही है वो बात उनकी दुरुस्त नजर आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि उन तमाम केसेस को परसू करें, और अगर कोई पिटिशनर नहीं है
तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में शारे फैसल पे कराची में जब ट्रैफिक जैम हो जाता था तो हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब तो उस पर सुओ मोटो ले लेते थे, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं कि नून लीग की आला क्यादत के खिलाफ मुकदमात है और हुकूमत भी नून लीग की है, तो कोई दबाव तो नहीं होगा एहतसाब अदालत पर, इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक तो अगर कोई दबाव हमें नजर आता तो पहले हमारे दोस्त ये कहते थे कि अदालतों पे दबाव होगा और निजी महफलों में ये भी कहते थे कि भाई जज तो मुकर्रर ही मौजूदा हुकूमत ने किए हैं, लेकिन आपको नजर आया कि कोई दबाव नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ से दबाव ज्यादा नजर आ रहा है। जो एक पब्लिक ओपिनियन है, जो एक मीडिया है, जो एक एफ्लुएंट अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास का ओपिनियन है पाकिस्तान में, जो प्रिवेल करता है बहुत सारी ओपिनियन फॉर्मेशन को पे वो असरअंदाज होता है, उनका दबाव हमें ज्यादा नजर आया मीडिया पे भी और दीगर फैसला करने वालों पे भी। लेकिन इसी तरह जो अब नैब की के जो रेफरेंसेस हैं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन या नैब या किसी पर भी हुकूमत अगर है भी तो वो कोई ऐसा दबाव डाल सकेगी, चूंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान में और अच्छा, हारिस साहब ये बताएगा कि जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी और आपने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस नहीं आते इस टाइम पर उनके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, किस किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन आप समझते हैं कि उनके लिए मजीद बढ़ सकती हैं? देखिए, उनकी सियासी साख को और सियासी करियर को नुकसान पहुंचने का बड़ा वाजे अंदेशा है अगर वो तशरीफ नहीं लाते वापस। और ये भी बड़ा जरूरी है कि चूंकि पाकिस्तान में कोई इस वक्त कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, तो उनको आना चाहिए, उनको केसेस का सामना करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने केसेस का सामना किया और उसी तरह से उनको केसेस का सामना करना चाहिए। डेफिनेटली हम रेफरेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर ये केस स्टूल पकड़ता है, अगर फैसला जल्दी नहीं आता, 18 के इलेक्शन आ जाते हैं और नून लीग की जो सियासी क्यादत है वो इसी तरह तजब्बुब का शिकार रहती है, तो आप क्या देख रहे हैं फिर किस तरीके से नून लीग जो है वो इलेक्शन में कमबैक करेगी, क्या स्टांस होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मुझे महसूस नहीं होता कि 2018 में नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उस वक्त तक ये मामलात क्लियर हो सकेंगे और वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर नून लीग की तरफ से सामने आएंगे। लेकिन नून लीग के पास जो वाहिद इस वक्त जो एक जो बेस है वो पंजाब में उनकी कारकर्दगी है। अगर वो ये अवाम पर साबित करने में कामयाब हो जाते हैं पंजाब में भी और दीगर सूबों में भी, दीगर सूबों में तो छोटे छोटे हलके हैं ना उनके, असल तो उनका बेस पंजाब है, तो अगर पंजाब में वो किसी हद तक उसको रिटेन कर सकते हैं जो उनकी इस वक्त इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कम हो जाएगी, इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ी जमात पंजाब में हमें नून लीग नजर आती है। NA 120 के बहुत शुक्रिया हारिस वलीग साहब, आप हमारे साथ थे और इस खबर के ऊपर जो है वो हमने तफसीली तौर पर आपसे तजिया भी लिया। आई होप के लोगों को पिक्चर जो है वो काफी क्लियर हो चुकी होगी। डेफिनेटली नून लीग में नवाज शरीफ साहब के लिए, शरीफ फैमिली के लिए जो है वो एक दूसरी आजमाइश का वक्त आ चुका है और अब देखते हैं कि आजमाइश से वो किस तरह से गुजर पाते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, डोंट वरी, वी स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतालिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान बाहमी एहतराम के साथ कुर्बानियों का इदराक करने वाले ममालिक के साथ आगे बढ़ने का फैसला करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वाशिंगटन में बैठे लोगों को पाकिस्तान और खित्ते की हकीकी सूरत हाल का इदराक नहीं। अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करे, पाकिस्तानी कौम को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का मुकदमा भी दुनिया भर के सामने रखा जाएगा। जो हमारी कामयाबियाँ हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान ने क्या खोया है, क्या पाया है, दुनिया उनको ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ नज़र से देखती है और हमें दुनिया की परसेप्शन को करेक्ट करना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका से ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर रहे, मामलात मुल्की मुफादात की नज़र से देखेंगे, अमरीका समेत किसी भी मुल्क से ताल्लुकात को बाहमी एहतराम पर मबनी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ ताल्लुकात पर भी बात की गई, अक्वामे मुत्तहिदा के किरदार से मुतालिक भी तफसीली बातचीत की गई, कश्मीर में जो हो रहा है उसे मद्देनजर रखकर भारत से ताल्लुकात जेरे गौर आए। उन्होंने कहा कि हमें शिद्दत से एहसास है कि दुनिया हमारी कुर्बानियों को दूसरे अंदाज में देखती है जिसे तब्दील करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया बेशक ना माने लेकिन पाकिस्तान में अमन है, कराची में अमन है,
सवात में अमन है, हमारी मस्जिदें घर गलियां महफूज हैं, एक दो वाकयात होते रहते हैं लेकिन हम ये जंग जीत रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी बका दाव पर लगी है, इसलिए हमसे बेहतर ये जंग कोई लड़ ही नहीं सकता। वजीर खारजा ने कहा कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, जिन हमसायों के साथ ताल्लुकात में दरारें हैं उनको दूर करेंगे। अमरीका की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी ने पाकिस्तानी हुकूमत की भी आंखें खोल दी हैं। इस पर अमरीका की जानबदाराना पॉलिसी का भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें भी शुरू कर दी हैं और इस्लामाबाद में होने वाली सफीरों की कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी जिसमें नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस ब्रीफिंग में वाजे किया है कि बाहमी एहतराम के साथ कुर्बानियों का एतराफ करने वालों के साथ ताल्लुकात रखे जाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात किस मोड पर हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सफीर शाहिद अमीन साहब। शाहिद अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? ठीक। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, इसके बाद क्या समझते हैं आप, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब क्या मजीद कशीदा हो जाएंगे या ये ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे? अब देखिए, उन्होंने एक नई सिमत की बात की है खारजा पॉलिसी में, तो अभी वाजह नहीं है कि वो किस किस्म की सिमत है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, खारजा पॉलिसी जो है वो कौमी मफादात को परसू करने के लिए की जाती है और कौमी मफादात जो हैं वो बदलते नहीं हैं, हालात के साथ वो बदलते नहीं हैं। वो क्या बुनियादी कौमी मफादात हैं? एक तो पाकिस्तान की सॉवरेंटी और सालमियत की हिफाजत करना, यानी पाकिस्तान को कायम रखना, ये सबसे बड़ा कौमी मफाद है। दूसरी चीज़ जो है इक्तसादी जो ताल्लुकात हैं, इक्तसादी फ़ायदे हैं जिसमें एड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। तो अब सवाल ये है कि मौजूदा हालात में यकीनन ट्रंप की पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में एक किस्म का गुस्से की लहर आई है और हमने बड़ा शदीद प्रोटेस्ट किया है और वाकई उनके बयान में एक यकतरफा किस्म की बातें की गई हैं। पाकिस्तान की जो अकादलनी है, गोया किस्म का पाकिस्तान को उन्होंने हुक्म दिया है और इसी वजह से पाकिस्तान में बड़ा शदीद रिएक्शन हुआ है। लेकिन बहरहाल आपको ये देखना है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसके साथ मुखालफत जो है या उसके साथ बुरे ताल्लुकात जो हैं वो किस हद तक हम उसके मुतहमल हो सकते हैं, ख़ासतौर पर इस वक्त जबकि पाकिस्तान एक तो मशरिकी तरफ पे हिंदुस्तान के साथ एक रिवायती दुश्मनी है जो पिछले दिनों बढ़ गई है, क्योंकि मोदी साहब तो बिल्कुल उन्होंने तहिया किया हुआ है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और हर किस्म की साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, दूसरे पाकिस्तान के अपने इक्तिसादी हालात को आप देखिए, वो इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नीचे जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्वारियाँ हैं। तो ऐसे हालात में अगर हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में और बिगाड़ा है और दूसरी यह है कि किसी तरीके से मामले को तय किया जाए, अगर बिगाड़ आता है तो उसका एक तो फौरी असर ये होगा कि जो भी अमेरिका से इकोनॉमिक एड आ रही है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि बाज़ तो कोलिशन सपोर्ट फंड में आती है, बाज़ इकोनॉमिक एड है, बाज़ मिलिट्री एड है, उस पर असर पड़ेगा। दूसरे अमेरिका का असर रसूख जो है IMF पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे है, जहाँ पे हम बार बार रुजू करते हैं अपने इक्तसादी बेल आउट के लिए। तो इन हालात में हमें सोच समझ के कदम उठाने हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में यकीनन हम चाहते हैं कि एक किस्म की हमारी जो कौमी जो वक़ार है उसमें मजरू ना हो, लेकिन साथ ही में उन ताल्लुकात में बिगाड़ से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की दुश्वारियों में इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान की दुश्वारियों में इजाफा हो जाएगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम नजर आती है, लेकिन अब देर आया दुरुस्त आया। वजीर खारजा दौरा चीन पर हैं और चीन ने मसाइल साथ लेकर मिलकर चलने की भी यकीन दहानी कराई है, इस मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, चीन के साथ तो हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बल्कि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अहम ताल्लुकात इस वक्त चीन के साथ ही हैं। उसने हमारी बड़ी हिमायत की है और एक लिहाज से वो कहते हैं कि ये दोनों में ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है, और इस वक्त भी मेरे ख्याल में कल भी चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने इसी किस्म का स्टेटमेंट दिया है। और लेकिन हमें पिछले जो ब्रिक्स का कम्युनिके आया जिसमें चीन भी शामिल था उस पर तशवीश है, क्योंकि उसमें बज़ाहिर हिंदुस्तान का जो एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द पनाहें लेते हैं उसको कुछ ना कुछ तकवीत मिली है। बाद में चीन ने कहा है कि नहीं, हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं समझता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर के दौरे में यकीनन चीन की तरफ से कोई यकीन दहानी आएगी जिससे हमारे जो खदशात हैं वो दूर होंगे। लेकिन देखिए,
सवाल यह है कि चीन की तरफ तो हम पहले से ही बहुत झुके हुए हैं, और कितना ज्यादा झुका जा सकता है? क्या बिल्कुल एक तरफा ताल्लुकात हो जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि हम रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात करें, जो जिसका एक अमल जारी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस इज नॉट एन एड गिविंग कंट्री। मैं खुद रूस में पाकिस्तान का सफीर रहा हूँ, उनकी रिवायत यह है वो एड गिविंग कंट्री नहीं है, तो इसलिए रूस और के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता करना भी मुश्किल है। फिर रूस के अभी तक हिंदुस्तान के साथ खासे करीबी ताल्लुकात हैं, तो इसलिए देर आर लिमिटेशन। यकीनन हमें डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कदम है कि चीन जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये समझना कि अब कोई इनकलाबी रीअलाइनमेंट हो जाएगा और एक तरफ अमरीका होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन और रूस होंगे, ये कबल वक्त है। ठीक, अच्छा ये बताएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, और कल वज़ीर ख़ारिजा ने जो है वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कश्मीर का भी जिक्र किया है। मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि पाक भारत तालुकात अब किस तरह के हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर की जब भी बात होती है तो कोई इसका हल नहीं नज़र आता? जी आप देखिए, वो कश्मीर में जो आप हालात हैं, हमको मालूम है कि वहाँ पे एक अवामी बगावत जारी है, पिछले तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया है। वहाँ के अवाम जो हैं हर रोज़ सड़कों पे आते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज करते हैं, हर लिहाज से अपनी हिंदुस्तान के साथ जो नफरत है उसका इजहार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो फौज है वहाँ पर उतनी बड़ी उनके जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल करके उनकी पूरी कोशिश है कि अवामी जो रेजिस्टेंस है उसको दबा दिया जाए। और हमें अफसोस इस बात का है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो रिएक्शन नहीं आया जिसकी तवक्को की जानी चाहिए। वहाँ पे हिंदुस्तान इतने वादे तौर पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, लोगों पे वो पैलेट गन चलाई जा रही हैं, हर किस्म की वहाँ पे मजालिम उन्होंने ढाए हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लिहाज से बिल्कुल इससे कुछ लाताल्लुक नज़र आती है। खुद आपके इस्लामी ममालिक ने किसने बयान दिया है, मुझे बताइए किस मुल्क ने कश्मीरियों की हिमायत में बयान दिया है? तो इसमें कुछ तो हमारी डिप्लोमेसी की कमज़ोरी है कि हम अपना नुक्ता नज़र बता नहीं सके हैं। दूसरे इन मुल्कों के अपने मफादात हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा अहम मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए। गोया कि कश्मीर के मसले में वो इंटरनेशनल सपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली है जिसका हमें हक है, जो कश्मीरी लोगों की जद्दोजहद के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी जो पॉलिसी है कश्मीर में कि हम कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेंगे और उसके बारे में दुनिया को आगाह करते रहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये तवक्को करना कि जल्द नियर फ्यूचर में कोई कश्मीर का मसले का हल निकल आएगा, वो तो मैं नहीं समझता मुमकिन है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजीद टेंशन बढ़ती जा रही है पाक भारत के दरमियान। अच्छा शाहिद अमीन साहब, भारतीय आर्मी चीफ है कि वो पाकिस्तान और भारत के साथ में जो है जंग के लिए बिल्कुल तैयार है और मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय आर्मी चीफ ने ये गीदड़ भक्की क्यों दी है? जी अभी बल्कि चीन ने इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन, आज मैंने देखा कहीं पढ़ा है कि उन्होंने सख्त रिएक्शन दिया है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी प्रोवोकेशन है कि जंग की बातें कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आग के साथ खेलने वाली बात है। लेकिन ये कि वो मेरे ख्याल में अपनी एक लिहाज से एक किस्म की गीदड़ भपकी कह लीजिए, असल में तो हिंदुस्तान को बड़ा सेटबैक हुआ है। अभी जो चीन के साथ सिक्किम के इलाके में कॉन्फ्रंटेशन था, फौजें आमने सामने थी और बड़ा समझ में आता ऐसा नज़र आता था कोई क्लैश होने वाला है, उसके बाद हिंदुस्तान ने यही मसले समझी कि वहाँ से अपनी फौजों को पीछे निकाल लिया, गोया कि चीन के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। तो अब उसको छुपाने के लिए उन्होंने इस कम का बयान दिया कि हमारी फौज तो बिल्कुल तैयार है चीन और पाकिस्तान से हमला करने के लिए। अगर वाकई ऐसी तैयार थी तो सिक्किम के अंदर पसपाई क्यों की? तो मैं समझता हूँ दिस इज़ मोर फॉर रेजिंग मोरल इनसाइड इंडिया रादर देन ए सीरियस थ्रेट। अगर वाकई ऐसा होता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ बैकवक्त हिंदुस्तान की जंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हाई चांसेस हैं कि इंडिया को इसका नुकसान होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों बहुत मुस्तहकम ताकतें हैं और दोनों मिलकर अगर हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करते हैं तो फिर हिंदुस्तान को ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जंग का जिक्र करना इसलिए भी गालबन मुनासिब नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियर ताकतें हैं और न्यूक्लियर जंग के अंदर जो कहा जाता है कि कोई भी विनर नहीं होता, इन ए न्यूक्लियर वॉर एवरीबडी इज़ ए लूजर एंड नोबडी इज़ ए विनर। ठीक ठीक, अच्छा आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने चीनी हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और तकरीबन दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ये ख्याल है कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं है, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? अब देखिए ना, पिछले 17 साल के साथ उन्होंने वहाँ पे फौजें रखी हुई हैं अमेरिका ने और नेटो ने, और खुद अफगानिस्तान की अपनी बड़ी फौज है, उसको बहुत ट्रेन किया गया, हर किस्म की
उसकी मदद की गई है, लेकिन बॉटम लाइन क्या है कि 16-17 साल के बाद तालिबान जो हैं वो ना सिर्फ उनको ख़त्म नहीं किया जा सका, बल्कि वो ख़ुद उनकी हुकूमत अमेरिका इतराफ़ करते हैं कि मुल्क के वसी इलाके पे गालबा 40% इलाके पे या हो सकता है इससे भी ज़्यादा इलाके पे तालिबान का कब्ज़ा है या उनका कंट्रोल है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो फौजी हिकमत अमली है वो तो नाकाम हो चुकी है, और इस बारे के अंदर जो कुछ भी अमेरिका की पॉलिसी है कि हम और ताकत इस्तेमाल करेंगे उससे मेरे ख्याल में कुछ हासिल नहीं होने। जी बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब, हमसे गुफ्तगु कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, बात पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके हवाले से बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब अखबारात में आज कौन कौन से मौजूद जेरे बहस हैं ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी नफीस साहब, क्या इदारे हैं आज, कौन कौन से अहम मौजूद हैं? जी इदारे तो बहुत सारे हैं, ये इदारे अभी आप जो बात करें थी शाहिद साहब से वो कि गिदड़ भपकियाँ, तो इदारे ये कह रहे हैं कि इन गिदड़ भपकियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अब सिनेरियो तब्दील हो चुका है, भारत अपनी धमकियों को अमली जामा पहना रहा है, और ये अभी जो इसने हमने देखा कि ये धमकियां दी हैं, और ये क्योंकि अब अमेरिका और खुद नेटो भारत के साथ मौजूद है, अफगानिस्तान में हमारे लिए मसला है, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, इसको सिर्फ गीदर धमकियां कह के आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जंग की कोई सूरत हाल बन सकती है? वो जो धमकियां दे रहे हैं बिपिन रावत ने कहा है, उन्होंने ये कहा कि कन्वेंशनल वार जो है वो हाइब्रिड वार में तब्दील होने में कोई दिन नहीं लगते, तो ये हमें इस धमकी को हल्का नहीं लेना चाहिए। बहरहाल डॉन के जो इदारिया एक आया है सबसे स्क्रूटनी ऑफ स्टूडेंट्स अनएक्सेप्टेबल, ये हमने देखा कि कुछ अभी अंसारुल शरिया का नाम सामने आया जब इजहारुल हसन साहब पर हमला हुआ, और जब उसकी तफ्तीश हुई ताने बाने मिले तो पता लगा कि जो हमें जो पहला जो अब्दुल करीम सरोज था वो उसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से था, फिर जो अंसारुल शरिया का जो सरबरा था डॉक्टर क्या नाम था इनका अब्दुल्ला हाशमी साहब, वो भी 28 साल की सिर्फ उसकी उम्र है, लेकिन उस वो भी अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर है। तो अब जो है ट्रेंड ये हो गया है कि जो सुसाइड बॉम्बर्स अपने जिस्म पर जो खुदकुश जैकेट बांधते थे वो अब उनके दिमाग में है, यानी कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसमें आ गए हैं इस दहशतगर्दी के उसमें, टेक्नोलॉजी खुद आईटी एक्सपर्ट है अब्दुल्ला शाशवानी साहब, ये खुद एक आईटी एक्सपर्ट है, तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इसके तनाजुर में एक प्रपोजल दिया गया था कि तालीमी इदारों खासकर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो तलबा का जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर किया जाए, लेकिन इस पर जो है इदारती नोट आए और उसे एक डेंजरस प्रपोजल कहा है डॉन के इदारे ने, और ये खासकर रजा रब्बानी साहब ने भी इसे रिजेक्ट किया, और दूसरे खुद डीन्स जो है यूनिवर्सिटीज के, और खुद हमने कल बात भी की एच ई सी चेयरमैन के साथ, उन्होंने भी ये कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये सही नहीं है। इदारे ही कहते हैं कि डेटाबेस नादरा के डेटाबेस अगर आप एडमिशन डेटाबेस लेते हैं तो वो इदारे नादरा के डेटाबेस से ही मिल जाता है, उसको कोई फायदा नहीं होगा, और ये हमें याद दिलाता है अयूब खान के दौर की, जब इसी तरह तलबा तंजीम पर पाबंदी लगी थी, स्टेट सर्वेलेंस हुई थी, कैमरेज लगे थे, और ये भी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो इशू ये जो डेटाबेस की जो है एक्सेस जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इट वाज फॉर पर्पस अदर देन परसुइंग ऑफ मिलिटेंट्स टेररिस्ट अदर थिंग। तो ये कहते हैं, इनका कहने का ये मतलब ये है कि आप जो है सिर्फ अगर आपको करना है तो इंफॉर्मेशन एक्सेस से नहीं होगा, आप अगर किसी तलबा के सीसीटीवी लगा देंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्या उन्होंने लाइब्रेरी से बुक निकाली है, क्या पढ़ा है, तो वो उनकी स्टिफलिंग इफेक्ट होगा उनकी तालीम के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर। इसका आसान हल ये है कि करिकुलम को सेट किया जाए। बिल्कुल करिकुलम डिसाइड किया जाए। अच्छा, इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू रही है, जेर बहस रहा है ये मामला लास्ट डेज में भी, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है इससे बहुत बेहतर बात ये नहीं है कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी इदारे में एडमिशन लेने आता है तो उसकी अच्छी तरीके से स्क्रूटनी कर ली जाए, उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके इंटरेस्ट को जान लिया जाए, उसके बैकग्राउंड को जान लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये काफी है। बिल्कुल, ये भी एक अच्छा प्रपोजल है, ये सही है, ये लेकिन इससे भी एक और अहम बात यह है कि आप देखें ना कि जितने भी ये जो हम निकाल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करने से बेहतर, बिल्कुल ये सही बात कह रही है, लेकिन ये भी चीज देखें, ये भी पहलू सामने आ रहा है कि यूनिवर्सिटी से मैं भी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, अब अगर मैं यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो है मेरा कुछ रेडिकल मेरे जो चेंज होता है, मुझे कुछ मिलिटेंसी की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरी यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है, मेरे असातिज़ा का कसूर नहीं है, लेकिन यहां कुछ ऐसा भी आया है कि कुछ प्रोफेसर्स के बारे में भी उंगलियां उठी हैं कि उन्होंने भी कुछ मिलिटेंसी को फरोग दिया है, उन्होंने भी अपने बच्चों के जहनों में जो है वो ये शिदत पसंदी को फरोग देने की कोशिश की गई है, ये एक गलत खराब खतरनाक ट्रेंड है। जैसे कि अभी सभा ने बोला कि जी एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आप ये सब कुछ चेक एंड बैलेंस करते हो तो
तो जो बच्चे अभी ऑलरेडी जेरे तालीम है वो किस माइंड सेट के साथ पढ़ रहे हैं और क्या उनके इंटरेस्ट है, उन तमाम चीजों को आप किस तरह से कैटर कर सकते हैं, किस तरह से जज कर सकते हैं जो अभी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में है और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें? देखें बेसिकली ये तो टीचर्स, आपके प्रोफेसर, लेक्चरर्स, जब एडमिशन के टाइम होता है वो टीचर्स को सब मालूम होता है, लेकिन अब अगर हम इसकी और वो जो हर इसमें आप ट्रेंड देख लें तो ये नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वो इस माइंड सेट का है और मिलिटेंट बन गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं, हम ये इदारे ये कहते हैं कि अगर आप करिकुलम को डिसाइड करेंगे तो वो सारा उस पूरी स्टूडेंट की जो है लाइफ पर जो है उसका इम्पैक्ट होता है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। फिर आप जिस तरह पेरेंट स्टूडेंट मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, ये कॉल करें स्टूडेंट, खास कर जो जोर दिया गया है वो प्रोफेसर और लेक्चरर्स पे जोर दिया गया, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के बहुत करीब होते हैं, वो समझ सकते हैं। हाँ, अगर वो देखते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वो सस्पिशियस है कि यार इसकी एक्टिविटीज बहुत खतरनाक हैं, तो वो डीन से रब्ता करें, डीन जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रब्ता करें और वो बहरहाल उसका जवाब किया जा सकता है। लेकिन ये जो कि आप पूरा डेटा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी से शेयर करें, ये अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अच्छा, आपने टीचर्स की बात की तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ पर हम स्टूडेंट के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनल एक्टिविटी को मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो टीचर्स जिनके पास वो स्टूडेंट आते हैं उनको अपना आइकॉन लेके मॉडल लेके कि जी हमारे टीचर ने जो पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, दिस इज एंड, तो मेरे ख्याल में टीचर्स की भी उतनी स्क्रूटनी करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे जी बिल्कुल डेफिनेटली किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन के हवाले से नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, हमारे साथ मौजूद थे और स्टूडेंट्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और जहां पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के बारे में इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, वहीं मंशियात फरोशी के भी बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं जिसको गुड मॉर्निंग आज में जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जनाब, बहुत ही हमने सियासी करते हैं, आपने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से लॉलीवुड में भी सीक्वल फिल्म्स बनाने का रुझान बढ़ गया है जो कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मजीद बेहतरी की कितनी जरूरत है, इस पर बात करने के लिए हमने राबता किया है फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी के डायरेक्टर नदीम बेग साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। नदीम बेग साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सीक्वल मूवीज का सिलसिला चल निकला है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? आई थिंक पाकिस्तानी फिल्मों की जो अब रिवाइवल जिसको हम सब कह रहे हैं उसमें सीक्वल फिल्म्स का कंट्रीब्यूशन की बजाय आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि इट्स नॉट सीक्वल फिल्म्स, इट्स जस्ट फिल्म्स। फिल्में चाहे वो सीक्वल हों या वो सीक्वल ना हो, अगर वो अच्छी नहीं होगी वो नहीं चलेगी। सो आई थिंक इट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन जो अभी नज़र आ रहा है वो फिल्म का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपका आप रेफर कर रही हैं टूवर्ड्स नामालूम अफराद 2, सो नामालूम अफराद 2 इसलिए अच्छी चल रही है क्योंकि वो फिल्म अच्छी है। अगर वो फिल्म अच्छी ना होती तो वो अच्छी नहीं जाती। सो इट्स नॉट अबाउट सीक्वल, इट्स अबाउट गुड फिल्म्स जो पाकिस्तानी देखना चाहते हैं और पाकिस्तानी बहुत अप्रिशिएट करते हैं पूरी दुनिया में। अगर आप एक थोड़ी सी बेहतर एफर्ट कर लें तो उसको उसका रिस्पांस। अच्छा, ये बताएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि फिल्म प्रोडक्शंस तो बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं, दोनों अभी हमने देखा हिट फिल्म्स आई, काफी बिजनेस भी किया मूवीज ने, लेकिन नए चेहरे जो है वो इसमें हमें नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजूहत है? नए चेहरे मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि फिल्में नई बननी शुरू हुई हैं, नए चेहरे भी आएंगे, हम सब नए चेहरों को लेना चाहते हैं। लेकिन अभी जो टीवी के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म में बहुत अपील है, उनके साथ फिल्म बनाने का भी आपके पास एक डेफिनेटली मार्जिन है। पाकिस्तान में फिल्म टीवी एक्टर इज बिग, आई थिंक पूरी दुनिया में टीवी एक्टर, पाकिस्तानी जो टीवी एक्टर है वो बहुत पहचाना जाता है क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में बहुत देखा जाता है। सो जब हम जवानी फिर नहीं आनी बना रहे थे तो उस वक्त हमारे पास सारी की सारी कास्ट जो थी वो सब के सब टीवी की कास्ट थी, और ये बात हमें बहुत सुनने में मिली कि टीवी के लोग फिल्म में नहीं चला करते, जो सीजन लोग हैं फिल्म में, फिल्म मेकर्स हैं। हम सिर्फ मैं और वासे और हुमायूं ये सोचते थे कि यार अगर फिल्म अच्छी हुई तो ये नहीं हो सकता कि लोग देखने ना आए, फिल्म का अच्छा होना ज़रूरी है। और हर अच्छा 70 और 90 की दिहाई में भी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बूम मिला है, और अब जो इंडस्ट्री को बूम मिला है आपको क्या लगता है ये परमानेंट है या फिर टेम्पररी अच्छी मूवीज आने का सिलसिला जारी रहेगा? मेरा ख्याल है 70s में और 80s में, आई थिंक इट शुड बी 70s जहाँ पे फिल्में बहुत बनती थी और बहुत बूम था, एंड इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन 80s।
उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सिनेमाज कम होते चले गए और फिर इंडियन फिल्में वीसीआर पे और सीडीज़ पे इवेंचुअली अवेलेबल होना शुरू हो गई और लोगों ने फिल्में देखने के लिए सिनेमा जाना बंद कर दिया क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जिस स्टैंडर्ड की इंडियन फिल्म आपको वीडियो पे अवेलेबल थी। पाकिस्तान में जब इंडियन फिल्में आईं और इवेंचुअली सिनेमा ने ग्रोथ दिखाई जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो अब का रिवाइवल आपको नज़र आ रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द सिनेमा इंडस्ट्री क्योंकि सिनेप्लेक्सेस बनने शुरू हुए एक बिजनेस वायबिलिटी फिल्म की नज़र आनी शुरू हुई जिसकी वजह से फिल्में बन रही हैं और ये मुझे नहीं लगता कि ये आरजी है। आई थिंक इट हैज़ स्टार्टेड। पाकिस्तानी फिल्म पूरी दुनिया में अब देखी जाती है। कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि यूके में या यूएस में कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडियन फिल्म को पीछे छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम भी ऐसी उम्मीद हैं नदीम साहब के हमारी इंडस्ट्री को मजीद बूम मिले। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और इन मूवीज के हवाले से बात कर रहे थे। सब मुझे तो अभी तक मूवी की टिकट्स नहीं मिली लेकिन आप ये मूवी देखे आई हैं। बिल्कुल इट वॉज वेरी नाइस मूवी। यानी कि आप ये सोचें कि हर शॉट पे तालियां बज रही थी, लोग हंस रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल एक्साइटमेंट का लेवल नीचे ही नहीं आ रहा है। नामालूम अफराद मैंने देखी जिसमें बिल्कुल ऐसे बात की गई है, बिल्कुल कराची की बात की गई है, नेचुरल बातें की गई हैं जैसे हमारी जिंदगी में होता है। डेफिनेटली गोइंग टू वॉच दिस मूवी दिस वीकेंड, सो आई विल प्रिपेयर देखते फिर बताएंगे। गो एंड वॉच द मूवी। यस चलें जनाब, आप लोग भी जाके देखिए और हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एक और मजेदार सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये बैरून मुल्क सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए खबर ये है कि वो अपने साथ अब 10,000 पाकिस्तानी रुपए नकद ले जा सकेंगे। इस हद में इजाफे से बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क सफर के दौरान मुसाफिरों को अपने पास मौजूद रकम 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक रखने की इजाज़त दे दी है और इतनी ही रकम अब बाहर से आने वाले पाकिस्तानी या गैर मुल्की भी रख सकेंगे। इससे कबल पाकिस्तानी शहरी हवाई सफर के जरिए सारी दुनिया में कहीं भी जाते थे तो महज 3,000 रुपए नकद रख सकते थे और भारत में तो ये हद इससे भी इंतहाई कम यानी सिर्फ 500 रुपए थी। पाकिस्तान से भारत जाने वाले किसी भी सूरत 500 रुपए से ज्यादा नकद रकम नहीं रख सकते थे, बसूरत दीगर रकम जब्त कर ली जाती थी। लेकिन अब इस रकम की हद को बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है, यानी अब पाकिस्तान से भारत जाने वाले शहरी हवाई सफर के दौरान अपने साथ 3,000 पाकिस्तानी रुपए ले जा सकेंगे। नकद रकम रखने की यह हद करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतय्यन की जाती है और इसकी इजाज़त देने का मकसद किसी किस्म के फौरी अखराजात के लिए एक काबिल कबूल मकदार में करेंसी का मौजूद होना है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस हद में इजाफे की वजह अशिया की कीमतों और एयरपोर्ट्स पर मौजूद सहूलियात में इजाफा है, यानी माजी की नस्बत अब दौरान सफर मुसाफिरों को ज्यादा रकम की जरूरत पड़ सकती है। इस हद में इजाफे से बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। चले ना, बड़ी अजीब सी बात है कि इस लिमिट को बढ़ा तो किया है लेकिन मैं देखती हूँ कि इतनी अमाउंट तो कोई भी नहीं लेकर जाता। इससे ज्यादा अमाउंट जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, फिर इसका क्या लॉ है और इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर उससे क्या क्या नतीजे अखज होंगे, इन सब पर जो है वो आगे के शोज में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन बहुत मजे की स्टोरी लगी है और इसके ऊपर डेफिनेटली हम अपने व्यूवर्स से जो है जरूर इसके हवाले से मजीद आगाही फराम करेंगे, तजिया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में अब हमारा जो वक्त है वो खत्म हुआ जाता है और जाने से पहले हम पाकिस्तान नेवी डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, तो उस हवाले से तमाम फोर्सेस को हम खराज तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ कहेंगे जी आपकी कामयाबियां इसी तरीके से जारी और सारी रहें। गुड मॉर्निंग आज का वक्त अब खत्म हुआ जाता है, इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मंडे को फिर आएंगे आपके लिए नई टॉप स्टोरीज लेकर, अहम खबरों के साथ, तजियों और तबसरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और अनम काजमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।